साथियों, आज के वीडियो का विषय है संकल्प शक्ति। आखिर संकल्प है क्या? जब हम कोई भी कार्य करने चलते हैं तो उसको पूरा करने का संकल्प लेते हैं, चाहे कोई भी अनुष्ठान करने जा रहे हो या और कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो, हम पहले संकल्प लेते हैं। तो आखिर ये संकल्प शक्ति, संकल्प हम लेते ही क्यों है? हमें क्या प्रेरित करता है, कौन सी चीज प्रेरित करती है संकल्प लेने की? संकल्प लेने के लिए हमारे मन में एक इनाम पाने या कुछ मिलने, कुछ चीज की लालसा होती है, जिसके कारण, जिस लालसा में हम संकल्प लेते हैं। लालसा किस चीज की हो सकती है? हमें लालसा हो सकती है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमें संपत्ति मिले, बहुत सारी चीजें हम इकट्ठी कर सके, बहुत संपदा रख सके, या हमारा यश बढ़े, फेम बढ़े, इत्यादि। ऐसी बहुत सारी लालसाएं मन में हो सकती हैं। कोई हमें मिले, किसी का साथ मिले, इस तरह की बहुत सारी लालसाएं हो सकती हैं। और ये लालसा क्या करती है? हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में डोपामीन बढ़ा देता है। इस डोपामीन हार्मोन जब बढ़ने लगता है तो हमें काम करने की, कोई किसी तरफ बढ़ने की, किसी और बढ़ने के लिए लालसा उत्पन्न हो है। और जब लालसा होती है तो हमें शक्ति चाहिए उस ओर बढ़ने की। तो वो शक्ति कैसे मिलती है? हमारे एड्रेलिन एड्रेलिन ग्रंथि में एड्रेनलिन हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन ये निकलने लगते हैं। इससे हमें शक्ति मिलती है उस काम को करने की। चलिए, तो इस तरह से अगर देखा जाए, हमारे शरीर और हमारे मन, जो लालसा है वो क्या है, हमें हमारे मन दोनों को के ही सम्मिलित प्रयास से हमें संकल्प शक्ति आती है। अब जब भी संकल्प होता है, किस चीज के हम संकल्प लेते हैं कि भाई हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, हम कोई एक्सरसाइज नियमित रूप से करेंगे, हम अपने डाइट को प्रॉपरली समुचित भोजन करेंगे, कल्याण, हम अपने जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पाएंगे। तो ये सब संकल्प हम लेते हैं, या कोई अनुष्ठान किया उसके लिए संकल्प। तो संकल्प लेने में एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और डोपामीन, ये सबका सम्मिलित प्रयास होता है। और हमारे मस्तिष्क का जो ये बाया हिस्सा है, जो कि लॉजिकल ब्रेन से कहते हैं, बाया ब्रेन, इसमें मदद करता है। अब जब हमने संकल्प ले लिया, लेकिन अगर हमें कोई दूसरा लालच आ गया, या एक्सक्यूजेस, बहुत से बहाने, कैसे, बहुत ठंड है, आज या आज नहीं जाएंगे, कल से शुरू करेंगे, और इस तरह के बहाने बनने लगेंगे, या कोई और लालच आ गया, अरे इसे ये अच्छी चीज मिल रही है, उसकी तरफ भावनाएं ज्यादा पड़ रही हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? तो हमारा मन उससे नहीं करेगा, तो ये मन क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। किस मार्ग में? इस मार्ग में जो हमने संकल्प ले रखा है। हमने संकल्प ले रखा है मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन ये रुकावट पैदा करेगा, अवरोध पैदा करेगा, जो हमारे मन में लालच आ गया और हमारे एक्सक्यूज और बहाने बनने लगे। तो अगर हम ये अवरोध पार कर जाते हैं,
इस अवरोध को हम को अवरोध नहीं मानते, कोई रुकावट नहीं होती है, तो इसका मतलब है हम में संकल्प शक्ति है। और संकल्प शक्ति से क्या हुआ, किससे हम कर सकते हैं, अपने आप पर विश्वास से और अपने सत्व से। हमारा सत्व बढ़ा हो, आत्मविश्वास बढ़ा हो, तो हमें संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। इसके लिए अगर देखें मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है, देखिए ये जो हमारा ये ब्रेन, हम जानते हैं एक बाया पार्ट एक दाहिना पार्ट होता है। बाया पार्ट हिस्सा जो है जो लॉजिक से काम करता है, और दाहिना हिस्सा जो है हमारी भावनाओं से काम करता है। तो और इसके बीच में इस जगह क्या होता है, ये जो कॉलिज्म जिसे हम कह सकते हैं कॉर्पस कॉलिज्म, ये होता है। और ये कॉर्पस कॉलिज्म के ऊपर एक ये सिंगलेट कॉर्टेक्स बैठा रहता है, चिपका रहता है। और ये सिंगलेट कॉर्टेक्स का जो ये पोर्शन एंटीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्स कहलाता है, जो कि हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर होता है। मतलब ये तो हिस्सा फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये सामने का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहां जो कि हमारे मोटर न्यूरॉन से भी संबंधित रहता है। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो हम जब ये फ्रंटल कॉर्टेक्स को हम निर्देश देते हैं तभी हमारे शरीर के सारे कार्य होते हैं। क्योंकि पैरिटल कॉर्टेक्स तो समझने का काम करता है, जो न्यूरॉन्स हमारे पास संकेत लाते हैं, सूचनाएं लाते हैं, उनको समझता है। और फ्रंटल कॉर्टेक्स इसका पूरा आयोजन करता है। तो इसके भी दो भाग हैं, इस दो भाग के जो बीच के भाग में सिंगलेट कॉर्टेक्स होता है, ये सिंगलेट कॉर्टेक्स। वो सिंगलेट कॉर्टेक्स का जो सामने का हिस्सा है एंटीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्स, ये जो है हमें क्षमता देता है कि हम किसी चीज के बारे में निर्णय लें। हम निर्णय लेते हैं, कोई भी हम डिसीजन पे पहुंचे कि हमें ये करना ही करना है। जब तक हमारे मन में इच्छा नहीं आएगी कि हम करना ही करना है, इस निर्णय पे हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें ये लालच और बहाने भड़काते रहेंगे, बहलाते रहेंगे, और हम जो हमने संकल्प लिया है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने निर्णय ले लिया कुछ भी हो जाए हमें करना ही है, तो क्या होगा, फिर हम उस काम को अवश्य पूरा करेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए दो चीजें, एक तो हमारा मन और हमारे ये बॉडी का पार्ट, ये शरीर का हिस्सा, ये दोनों मिलकर ही हम में संकल्प शक्ति उत्पन्न करते हैं। और जो हमें सत्व यानी आत्मविश्वास हमारे अंदर भर देते हैं, जितना अधिक सत्व होगा उतना ही हम अपने किसी भी कार्य को पूरा कर सकेंगे। कहते हैं क्रिया सिद्धि सत्वे भवति बहताम न उपकरणे, अर्थात अगर हमारे अंदर सत्व है तो हम उस सक्सेस और सफलता पा जाएंगे, हम हर क्रिया को सिद्ध कर लेंगे। या हिंदी में बोले तो है, जिन्हें आत्मविश्वास उन्हें फिर चिंता क्या साधन की, उन्हें किसी चिंता के साधन की जरूरत नहीं। तो आत्मविश्वास सत्व होता क्या है, लालच रोक कर आत्मनियंत्रण के लिए जुट जाना, किसी तरह का लालच हमें कोई रुकावट पैदा न कर सके और हम बढ़ जाए, पूरी आत्मविश्वास के साथ बढ़ जाए, यही सत्व है। और जब हमारे अंदर सत्व होगा तो हम हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते। अधिकतर हम संकल्प किन किन चीजों का लेते हैं या ले सकते हैं, जैसे हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, प्रातः भ्रमण करेंगे, हमारे हमारा डाइट हम पूरे कंट्रोल करेंगे, हम पैसा बचाएंगे जिससे कि हमारा बचत हो जाए, हम और कुछ सामान खरीद सके, कोई प्लॉट खरीद सके, कोई मकान खरीद सके, इसके मतलब हम अपनी को बचत करें और हम लत छोड़ दें, किसी चीज की आदत पड़ी है, एडिक्शन है
और चाहे नशे का हो, चाहे तंबाकू का हो, ये लत छोड़ना, इसके लिए भी हमें संकल्प लेना पड़ता है। और कभी कभी हम आज के काम कल पे छोड़ देते हैं। तो ये हम आज का काम अभी करेंगे, हम कल पे नहीं छोड़ेंगे। तो ये इस तरह का संकल्प लेना कि जो भी हमें करना है वो करना है। इसी तरीके से अगर हमने अपना कोई मंजिल तय की है, कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना ही है। तो इसके लिए भी हमें अपने को लगना पड़ेगा। कोई बहाना या लालच अगर आ गया तो इसका मतलब है हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। संकल्प में हमारे लालच और बहाने जो कहां से आते हैं, हमारे मन से। और इसे कौन भड़काता है? जो इमोशनल, जो हमारे दाहिना मस्तिष्क है, यह हिस्सा कभी कभी इन भावनाओं में बह जाता है और इस बहाने से, इस कारण जो मन इनको बहला ले जाता है, तो न बहकाने पाए। इसका मतलब मन और शरीर दोनों ही जब मिलकर संयुक्त प्रयास करते हैं, तब हम संकल्प सिद्धि कर सकते हैं, कर पाते हैं। तो संकल्प शक्ति के लिए क्या हुआ? हमें अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एक्शंस, अपनी क्रियाओं पर दबाव बनाना पड़ता है, पूरी तरीके से दबाव बनाना पड़ता है कि हमें क्या करना ही करना है। कोई बारिश, कोई सर्दी, कोई गर्मी, कोई इसको जो है रोक नहीं पाएगा। तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? हमें करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारण करें। हम क्या करें? अपने टारगेट, अपने गोल्स ऐसे बनाएं जो कि हम प्राप्त कर सके, जिनको अचीव किया जा सके, और फिर उसकी सक्सेस के लिए, उसको पाने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्न करें। और क्या करें? और हम इसके लिए जो भी प्लानिंग करना है, जो पूर्व नियोजन करना है, वो करें। और अगर किसी से हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो हम लें। साथ ही हम कभी किसी लालच में ना पड़े, हमें कोई टेंशन ना आए, हम सेल्फ क्रिटिसिज्म ना करें, अपनी आलोचना ना करें ज्यादा, क्योंकि अपनी आलोचना करते रहेंगे तो अपनी शक्ति को बर्बाद करेंगे, अपने को डिप्रेशन में ले आएंगे, तो ये ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी हम कोई भी गोल, जो छोटा गोल हमने यहां पर निर्धारण किया है, और जब भी हम उसे प्राप्त कर ले, वहां तक पहुंच जाए, तो अपने को सेलिब्रेट करें, पुरस्कृत करें। इससे क्या होगा? इससे हमारी संकल्प को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि जब हम छोटी सी मंजिल पार कर लें और फिर अपने को रिवॉर्ड दें, अपने को सेलिब्रेट करें, तो आपके मन में और ज्यादा इच्छा होगी। अब हम समझें कि आफ्टर ऑल कैसे ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स हमें इन सब काम में मदद करता है। अगर हम देखें, ये जो ये पोर्शन है, ये हिस्सा सिंगुलेट कॉर्टेक्स का, जिसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं, ये हिस्सा इसमें सबसे ज्यादा काम करता है। ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत क्रियाशील बना देता है। और ये क्रियाशील कब करता है? जब हम कठिन कार्य करने की उत्साहित होते हैं, इसी की वजह से। इस सिंगुलेट कॉर्टेक्स के, इस एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स की वजह से ही हम कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। और इसमें हमारी प्लानिंग की, हमारी योजना की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारी वर्किंग मेमोरी या कार्यकारी स्मृति शक्ति हमारी बढ़ती है। हम और यही चीज हमें ऑर्गेनाइजेशनल, हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, इस चीज को कैसे संगठित करते हैं, उसकी क्षमता बढ़ती है। इसी की वजह से हम जो कंसिक्वेंसेस, जो इसकी वजह से जो आने वाला है, जो कुछ होने वाला है, उसका हम एंटिसिपेट कर लेते हैं, पूरा अनुमान कर पाते हैं, और अपने लालसाओं पर नियंत्रित कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई लालच होगा तो हम ये कार्य नहीं करेंगे। तो इस पे हम किसकी वजह से नियंत्रित करते हैं? इसी एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स का। मतलब है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स हमारे क्रियाकलापों में, हमारे व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाता है।
अगर हम ये देखें कि क्या क्या परिवर्तन लाता है, तो हम देखेंगे जो हमारा मूड है, मनोदशा है, उसके भी नियंत्रण करने में, रेगुलेशन में इस एंटी सिक्लिक कॉर्टेक्स का काम होता है। अगर हम किसी के प्रति चिंता, किसी बात पे चिंता, किसी के प्रति क्रोध आ रहा है, या कोई भी हमें दूसरी भावनाएं आ रही हैं, इनको अपने के में समेट लेने में और इनको जब जो दिखाना है, जब जिसकी आवश्यकता है उसको उस तरह से नियमित कर लें, इस चीज में भी एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स का की बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगर देखें कि संकल्प शक्ति हमारी जब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब हम हमारा एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स समुचित रूप से कार्य कर रहा हो और हमारा डोपामीन भी इफेक्टिव हो गया, क्योंकि हमें किसी नाम की लालसा है, कोई रिवार्ड की लालसा है, और ये एड्रेनलिन और कोर्टिसोल, ये ऊर्जा एनर्जी शक्ति हमारे अंदर आ गई हो, आ जाती है, तब हमारी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। संकल्प शक्ति ही हमारा सत्व है, जैसे अभी हमने कहा, और इसी सत्व से ही हम सारे कार्य सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि संकल्प शक्ति एक वो दैवी संपदा है जो हमारे अंदर सत्व और आत्मविश्वास पैदा करता है। सत्व आत्मविश्वास एक दैवी संपदा संकल्प शक्ति ही हमें देती है, जिससे हम कुछ भी जो हम चाहें पा सकते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।